लवलीज, वेलकम टू माय चैनल प्रियाज ब्यूटी जोन। कैसे हैं आप सब? ये वाली मेकअप लुक अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर है, मैं लिंक छोड़ूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। आज का वीडियो खास इसलिए है क्योंकि ये मैं लेकर आई हूँ आप सबकी रिक्वेस्ट पे। बहुत सारे बिगिनर्स हैं जो मेकअप करना सीख रहे हैं और वो मुझसे कुछ कुछ चीजें पूछते रहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि आप ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल कैसे करें। एकदम फ्लॉलेस बेस पाने के लिए आप ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन को कैसे अप्लाई करें, तो आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ ब्यूटी ब्लेंडर यानी ब्यूटी स्पंज के बारे में। और मैं कौन सा यूज करती हूँ, मैंने कहाँ से परचेज किया है, तो उस सब के लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके कोई भी डाउट्स अगर ब्यूटी ब्लेंडर और स्पंज को लेकर हैं तो वो सब इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं और आप एक प्रो बनने वाले हैं ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करने में। हालांकि मैं कोई प्रो नहीं हूँ, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, मैंने भी सब कुछ यूट्यूब से ही सीखा है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ सीख लिया है। तभी तो आपको मेरे मेकअप लुक्स पसंद आते हैं ना, मेरा ये मेकअप फ्लॉलेस लग रहा है ना, ये भी ब्यूटी ब्लेंडर से ही किया है। इनफैक्ट इसका ट्यूटोरियल इस मेकअप के दौरान ही मैंने बनाया था। तो चलिए आपको दिखाती हूँ, शुरू करते हैं वीडियो बिना देर लगाए, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ है मेरे पास पुना स्टोर के दो मेकअप स्पंजेस यानी ब्यूटी ब्लेंडर्स, जो कि मैंने परचेज किए हैं अमेजोन से और इसका बाइंग लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पुना स्टोर बहुत ही बढ़िया ब्रांड है, इसी के मैं मेकअप ब्रशेस भी यूज करती हूँ। अक्सर लोग मुझसे वीडियोज में पूछते हैं कि दीदी आप कौन से मेकअप ब्रशेज यूज करते हैं, तो पुना स्टोर ब्रांड के ही हैं जो आपको अमेजोन पे इजिली मिल जाएंगे। इस बॉक्स की सारी डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगी और इसके अंदर मुझे मिले हैं दो ब्यूटी ब्लेंडर्स इस तरह के, ऑरेंज कलर के और कुछ इस तरह की शेप है इनकी। तो ब्यूटी ब्लेंडर्स ऐसे ही आते हैं, लेकिन इनको यूज कैसे करते हैं वो भी बताऊंगी और कौन से हिस्से से किस तरह का मेकअप अच्छे से ब्लेंड करना चाहिए वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले इन ब्यूटी ब्लेंडर्स को डायरेक्टली यूज नहीं करते, इन्हें डैम्प करना बहुत जरूरी है। तो रनिंग टैप वाटर के नीचे आप इस ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से फॉर 30-40 seconds रखें और आप देखेंगे कि उसे 30-40 seconds में ही इसका साइज डबल हो जाएगा। उसके बाद वाटर को बंद करके इसे अच्छे से स्क्वीज आउट कर दें, पूरी तरह से पानी को बाहर निकाल दें और उसके बाद आपका ब्यूटी ब्लेंडर होगा कुछ इस तरह से मोटू राम बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास दोनों ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, ये साइज था और अब ये साइज हो चुका है ना, कितना फर्क। ये डैम्प होने की वजह से आपकी ब्लेंडिंग को बहुत बढ़िया तरीके से करेगा, आपकी फाउंडेशन को पैची भी नहीं लगने देगा। तो अब मैंने अपने फेस को प्राइम कर लिया है, मॉइस्चराइज और प्राइम कर चुकी हूँ यानी CTM, क्लेंजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए इसका ये जो फ्लैट हिस्सा है इसके ऊपर आप अपनी फाउंडेशन को पंप करें। मैं यहाँ ले रही हूँ मैक की फाउंडेशन और उसके यहाँ 2-3 पंप्स डाल रही हूँ कुछ इस तरह से। अब आपको ये फ्लैट साइड से अपने फेस के ऊपर डैप करना है फाउंडेशन को इस तरह से। यही मोशन आपको यूज करनी होती है एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, टैपिंग एंड डैबिंग। अगर आप इसको स्लाइड करेंगे और ड्रैग करेंगे अपने फेस पर तो आपकी फाउंडेशन मूव करने लगेगी और वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगी बल्कि पैची और स्ट्रीकी नजर आने लगेगी। तो इसलिए डैम ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा टैप 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 यानी टच एंड गो इस तरह की मोशन में ही अपनी फाउंडेशन को आप फैलाइए। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया कवरेज मिली है मुझे इस फाउंडेशन से। और ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करने से आपको बहुत ही कम प्रोडक्ट में काफी हाई कवरेज मिल जाती है, क्योंकि जो आपका ब्लेंडर है ये एक्सेसिव प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा फाउंडेशन मत लगाइए वरना सारा प्रोडक्ट ब्यूटी ब्लेंडर ही चूस जाएगा। तो ये तो था कि ब्यूटी ब्लेंडर से आपने अपनी फाउंडेशन को कैसे अप्लाई और ब्लेंड किया। अब बारी आती है कंसीलर की। तो मैं अपने आईज के नीचे और आईज के ऊपर अराउंड माय आईज कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का करेक्टर कम कंसीलर। अब कंसीलर को भी ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करना है, तो इसकी जो ये वाली साइड है पॉइंटेड साइज, इस साइड से आपको अपना कंसीलर ब्लेंड करना है। ये पॉइंटेड साइड इसीलिए है ताकि आप कॉर्नर्स तक पहुंच सकें ब्लेंडिंग करने के लिए। तो ब्लेंडिंग करने से पहले आप इसको थोड़ा सा पिंच करके पकड़ें और उसके बाद अपनी आईज के नीचे के कंसीलर को डैबिंग मोशन और टैपिंग मोशन में अच्छे से ब्लेंड और सेट कर दें। तो कंसीलर आपकी आईज के नीचे और आईज के ऊपर अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और एक ही स्पेस पे सेट भी हो जाएगा। और याद रखें इसको स्क्वीज करके पकड़ें। कंसीलर के बाद बारी आती है पाउडर अप्लाई करने की, ताकि आपका कंसीलर और मेकअप सेट हो सके। तो लूज पाउडर को अप्लाई करने के लिए आप अगेन टिप वाले पोर्शन को यूज करेंगे, जहां से आपकी टिप क्लीन है उसे आप एक लूज पाउडर में डिप करें। मैंने यहाँ लिया है स्विस ब्यूटी का प्राइमर प्लस लूज पाउडर। आप अपने कंसीलर के ऊपर पाउडर को टैप करें।
लूज पाउडर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाते हैं ताकि बेकिंग हो जाए और आपका कंसीलर अच्छे से सेट हो जाए। तो जहां जहां आपको पाउडर लगाना है आपको स्पंज से इसी तरह से लगाना है, तो इससे आपका कंसीलर क्रीज आउट नहीं करेगा और अपनी जगह पर सेट हो जाएगा। अब अगली बारी है कॉन्टोरिंग को ब्लेंड करने की। तो क्रीम कॉन्टोर करने के लिए मैं ले रही हूँ स्टेक वर्की की क्रीम कॉन्टोर स्टिक। कॉन्टोरिंग लाइन्स को ब्लेंड करने के लिए भी आपको स्पंज की पॉइंटेड साइड को ही यूज करना है। आप इसे पिंच करें ताकि ये इस तरह से पतला और पॉइंटेड बन जाए और उसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन में अपने कॉन्टोर लाइन को ब्लेंड करें। कॉन्टोर लाइन नीचे की तरफ नहीं आनी चाहिए, ऊपर की तरफ ही ब्लेंडिंग होनी चाहिए इसकी। तो आप जब स्क्वीज आउट करेंगे तो इसकी कॉन्टोरिंग लाइन जैसी शेप बन जाएगी और आसानी से ब्लेंड हो जाएगा। ऐसे ही फोरहेड और जॉ लाइन को भी आप इसी डायरेक्शन में इस तरह से स्पंज के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। अपनी नोज की कॉन्टोरिंग लाइन को ब्लेंड करने के लिए भी आपको अगेन ब्यूटी ब्लेंडर को टिप से पिंच करना है और फिर वो पतला हो जाएगा तो आप इजीली अपनी कॉन्टोरिंग लाइन को नोज पर भी ब्लेंड कर पाएंगे। तो देखा आपने कितनी आसानी से इस डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से आपने एक फ्लॉलेस मेकअप बेस क्रिएट कर लिया है। यही था मेरा आज का वीडियो आप सबके लिए। अगर आपको ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल और यूजफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर दीजिएगा एंड अपने कॉमेंट्स नीचे छोड़िएगा अगर इसके बारे में आपका कोई भी सवाल है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ आपको एक और अच्छे से वीडियो के साथ जल्दी ही। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।